हर देश की ताकत उसकी सेना होती है। सीमा पर लगातार सेवा देने से आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसे सबसे खतरनाक, शानदार और इंटेलिजेंट कमांडो के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पैरा कमांडो के बारे में। इन कमांडो को स्पेशल जगहों पर तैनात किया जाता है। इनके आगे दुश्मन चुटकियों में घुटने टेक देते हैं। ये देश की आन बान और शान है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है पैरा कमांडो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विशेष टोही मुहिम, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने, दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम उनके जिम्मे आते हैं। इनकी ट्रेनिंग सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल वाली होती है। ये स्पेशल फोर्स देश की ही नहीं, विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। दरअसल 29 सितंबर 2016 की तारीख भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। बता दें, इस दिन भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 4वीं व 9वीं बटालियन की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो ने एलओसी को पार कर पाकिस्तान के दर्जनों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। इस बात को अभी बहुत समय नहीं हुआ है जब ऐसे ही एक सर्जिकल स्ट्राइक में इन पैरा कमांडो ने म्यांमार में घुसकर वहां चल रहे आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। इसमें चयन होने के पूरे 3 महीने तक सिलेक्शन चलता है। इसके लिए होने वाली ट्रेनिंग के दौरान थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना आदि सभी दौर से गुजारा जाता है। इसी के साथ पैरा की अपनी यूनिट और सेना की दूसरी यूनिटों के जवान लिए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से पैरा कमांडो के दिन की शुरुआत होती है। इसकी ट्रेनिंग काम के साथ ही 3-4 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग में वक्त के हिसाब से कमांडो को अपडेट किया जाता है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगानी ज़रूरी होती है। ये ट्रेनिंग एयरफोर्स की पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में दी जाती है। साथ ही पानी में लड़ने के लिए नौसेना डाइविंग स्कूल कोची में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 90% जवान ट्रेनिंग छोड़ जाते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान ही जवानों की मौत भी हो जाती है। ग्लोक 17 बेरोट 92 1A9MM सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, हैकलर और कोच MP5, 1A SMG सब मशीन गन, माइक्रो यूजी 9MM सब मशीन गन, TAR-21 टवोल असॉल्ट राइफल, M4A1 कार्बाइन, MPIM-KMS-72 असॉल्ट राइफल, PMMD-90 असॉल्ट राइफल, VAZ-58 असॉल्ट राइफल, SVD ड्रैगनोव सेमी ऑटोमेटिक स्नीपर राइफल, IMI गली स्नीपर ऑटोमेटिक स्नीपर राइफल, मौसेर SP-66 बोल्ट एक्शन स्नीपर राइफल, PKM लाइट मशीन गन, UKVJ-59L लाइट मशीन गन, MG-2A1 जनरल पर्पस मशीन गन, AGS ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, B-300 शिपोन 82mm रॉकेट लॉन्चर। एक ऑपरेशन के दौरान पैरा कमांडो ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर, C-130, जे सुपर, हरक्यूलस विमान और सभी तरह के मैदानी वाहन इस्तेमाल करते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।